वर्षा रानी जी हैं पहली कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई जी। जय हिंद, स्वागत वर्षा जी आपका बहुत बहुत। भाई जी मैं आपको बड़ी दिन से ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना सांस की प्रॉब्लम थी, तो आपने बोला था कि जैतून का सिरका आपने नहीं पीना, खट्टा होता है, तो मैं तो उसको शक्कर मिला के लेती थी, तब भी आपने बोला जैतून का नमक मंगा लीजिए। अब उसको मैं 5-6 चीजें जो है सौंफ, अजवाइन, मिर्ची वगैरह इसमें मिला के लें, तो उसके लिए मैंने तो मंगा तो लिया है जैतून का नमक, और वो मैं ले भी जाई हूँ, 10 दिन हो गया मुझे ले रहे हुए। साथ में मैं गोंद मरिंगा भी ले रही हूँ, एक टाइम गोंद मरिंगा ले रही हूँ, एक सुबह खाली पेट में जैतून का नमक ले रही हूँ। तो सर जी भाई साहब मेरे को ना पेट में ना मेरे कलेजे के ऊपर भारी भारी सा रहता है, और पेट जो है ना गुब्बारे की तरह फूल जाता है, पता नहीं क्यों, कभी गैस को चढ़ जाती है, कभी पेट में रह जाती है, इसका फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, और मेरे को ये बीमारी 16 साल से 17 साल से। मैं एलोपैथिक दवाइयां कैप्सूल खाए बिना मैं रोटी नहीं खा सकती, अब तंग आ गई इन दवाइयों से भी, एलोपैथिक दवाइयों से अब खाई नहीं जाती है, मेरे से भी असर भी निकल रही है कुछ। दूसरा मेरा सवाल है सर जी, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, ना तो मेरे को रेशा है, ना खांसी है, ना जुकाम है, फिर इसका मैं कौन सा इलाज करूं? और तीसरा सवाल है मेरा सर जी, मेरे ना पाँव के अंगूठा जो है ना उसके साथ वाले और हाथ के अंगूठे के दाएं साइड की उंगली जो है ना, ये दोनों उंगलियां जो सुन रहती है, पाँव की भी हाथों की भी, ये 2 साथ से है, और मैं 1 साथ से जैतून का काला गोंद भी ले रही हूँ मैं 1 साथ से। अभी परसों फिर आ गया, मैंने काला गोंद और मंगवा लिया है, अभी वो उसकी मैंने पीसा नहीं है, आज पीसने लगी हूँ, तो अब बताओ मैं क्या करूँ? अब सबसे ज्यादा पेट की प्रॉब्लम है मुझे, एक टाइम में पेट साफ नहीं होता है। ठीक है मैम। हाँ देखिए, ये जो 6 चीजों का पाउडर आप लेते हैं, इसमें 7 चीजें कर लीजिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, और इसमें अलसी भी मिला लीजिए 100 ग्राम, जो 100 ग्राम का नुस्खा हो तो 100-100 ग्राम सब मिला लीजिए, और तब खाइए ये चूर्ण नमक जैतून के पानी से 1 चुटकी, और दिन में 1 बार कभी भी एक चुटकी दिन में एक बार कभी भी एक चुटकी खाने का सोडा भी इसमें पानी में मिलाकर ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, और एक दिन में एक बार अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के 1 बार पी लिया करिए। ये बहुत पुराना रोग है, और ये हम जो एलोपैथिक दवाएं खाते हैं इनका यही परेशानी है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते आसानी से, इतने तेज़ असर हैं, और वो कहीं हमारे आंतों में, मैदे में अगर खुश कर देते हैं ये उसको, और वो खुश्की फिर जाती नहीं है, बड़ी मुश्किल से जाती है। तो खुश्की दूर करने के लिए मैंने आपको बताया, अरंडी का तेल 1 चम्मच दूध में मिला के, गर्म दूध में मिला के पी लिया करें, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो सकती है। हाथ की उंगलियां और पैर की उंगली सुन होती हैं, कौन सी आप ले रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज करिए गर्दन की, ऐसे पूरी तरह उसको मोड़िए, ये 3 मिनट एक्सरसाइज करें, और 3 मिनट ये रोज किया करिए, और 15 दिन से पहले इसे रोकिए मत, 15 दिन में आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आना चाहिए, ये एक्सरसाइज भी करें, दवाई भी लें, और पेट का मसला थोड़ा देर में फ़ायदा होगा, और ऐसे सीधी खड़ी हो जाइए, आप अपने पैर ऐसे जोड़ लें, पैर ऐसे जोड़ लें और सीधी खड़ी हो जाएं, पैर जुड़े हों, घुटने भी जुड़े हों, और बग़ैर घुटने मोड़े अपने पैर छुआ करिए दिन में 2-4 बार 6 बार, बग़ैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश कीजिए, चाहे छुए जाएं या नहीं छुए जाएं, लेकिन इस
अमल से आपकी जो नसें दब रही हैं यहाँ कमर में, वो वहाँ से निकलेंगी तो आपकी पैर की तकलीफ़ भी जाना मुमकिन है।